नमस्कार दोस्तों, 90 के दशक के इंडिया टीम के एक ऐसे शानदार बल्लेबाज जिनका क्रिकेट करियर ज़्यादा लंबा नहीं चला, जिसमें उन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में 10,000 से ज़्यादा रन भी बनाए और साथ में 50 रन की औसत से उनका रन रेट हमेशा ऊपर ही रहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व महान क्रिकेटर और गेंदबाज ऋषिकेश कानितकर की। ऋषिकेश कानितकर ने घरेलू क्रिकेट में खूब रन तो बनाए, लेकिन लोगों के दिलों में वह 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में लगाए एक विजय चौके की मदद से उन्हें आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, यह मुकाबला था 10 जनवरी 1998 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडिपेंडेंस कप के मैच का। इस मैच में पाकिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी करने के साथ भारत को 48 ओवर में 315 रन बनाने का लक्ष्य दिया था। हालांकि ये मैच अंत में जाकर काफ़ी रोमांचक भी हो गया था। इस मैच में भारत को आखिरी ओवर की 2 गेंद पर जीत के लिए 3 रन की ज़रूरत थी और गेंदबाजी करने आए उस समय के महान गेंदबाज शकलेन मुश्ताक, जिन्होंने उस मैच में शानदार गेंदबाजी करके टीम इंडिया को पूरा हिला डाला था। तभी 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऋषिकेश कानितकर, जिन्होंने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर शकलेन की बॉल पर मिड विकेट पर शानदार विजयी चौका लगाकर भारत को अद्भुत जीत दिला दी थी। दोस्तों, इस जीत के बाद ऋषिकेश कानितकर देश विदेश में सबके चहेते बन गए और उनकी हर जगह वाह वाह हुई। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इस महान खिलाड़ी को क्रिकेट जगत में ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों, ऋषिकेश कानितकर ने घरेलू क्रिकेट में भी काफ़ी शानदार रिकॉर्ड बना रखे थे, जिसमें उन्होंने 146 फर्स्ट क्लास मैच में 52.26 की औसत से 10,400 रन बनाए। इसी के साथ उनके 33 शतक और 40 अर्धशतक भी उनके नाम रहे थे। ऋषिकेश कानितकर बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज होने के साथ साथ दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज भी थे, लेकिन उन्हें क्रिकेट जगत में ज़्यादा मौका न मिलने की वजह से उनका ये टैलेंट वहीं छुपा रह गया। ऋषिकेश कानितकर ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 34 वनडे मैच खेले, जिसमें उनके नाम सिर्फ एक और शतक ही रहा, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में लगाया था। तो दोस्तों, भारत के शानदार क्रिकेटर ऋषिकेश कानितकर के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।